हेलो स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दीपिका बॉट 4 1/2 kg ऑफ मैंगोस एंड 7 1/3 kg वाटरमेलन। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेस्ड बाय हर। दीपिका ने 4 1/2 kg मैंगो खरीदे, 7 1/3 kg वाटरमेलन खरीदे। आप ये बताना है कि उसने टोटल कितने फ्रूट बाय किए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने लिखा वेट ऑफ मैंगोस 4 1/12 kg, वेट ऑफ वाटरमेलन 7 1/3 kg। अब उसने बोला है टोटल फ्रूट कितने खरीदे, इसलिए हमने दोनों को क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करने पे देखिए दोनों क्या है, अभी दोनों आपके इम्प्रॉपर की जगह नहीं है, ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आंसर आता है उसको आपके न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो क्या होगा, 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/2। ऐसे ही क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 3 20 21 होगा, देन जो वैल्यू आएगी उसको 1 में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 22/3। अभी आपके पास आ गया 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 6। अब 6 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 9 में 9, नीचे डिनोमिनेटर 6 करना है, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 एंड 22 मल्टीप्लाई 2 बाय 6। ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 9 3 27 होगा प्लस 22 मल्टीप्लाई टू 44, दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, 27 प्लस 44 बाय 6 kg। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 71/6 kg। अब ये आपका क्या आया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 71 डिवाइडेड बाय 6 कितने टाइम जाएगा, 1 बचेगा क्या आपके पास, 1 एंड 1 लेंगे कैरी, 6 से फिर देंगे हम, तो कितने टाइम जाएगा, 6 आपके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, 5। यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो रिमाइंडर होगा उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, जिससे डिवाइड दिया वो डिनोमिनेटर होगा, और जितने टाइम्स आपका डिवीजन गया है वो आपका क्या होगा, एक नेचुरल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11/5/6। तो दीपिका ने टोटल फ्रूट कितने परचेज किए, 11/5/6 kg। ठीक है, 9 नंबर आप तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए 10 नंबर देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन है, तान्या स्पेंड 2/7 ऑफ हिज लीजियर टाइम्स रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड 3/14 प्लेइंग फुटबॉल एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग टीवी। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ हिज लीजियर टाइम स्पेंड वॉचिंग टीवी। अब इसमें आपको ये बताना है कि तान्या 2/7 क्या करती है, रीडिंग करती है स्टोरी बुक को, 3/14 क्या करती है, फुटबॉल खेलती है, और रेस्ट टाइम पे वो टीवी देखती है। तो आपको ये बताना है कि टीवी देखने पे वो कितना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल टाइम उसके पास कितना है, 1। ठीक है, इसमें से उसने क्या किया, 2/7 किस में किया, उसने रीडिंग बुक में स्टोरी में किया, देन 3/14 क्या किया उसने, फुटबॉल खेलने पे। इसलिए हमने क्या किया कि उसका जो टोटल टाइम 1 है इसको हमने 1 लिया एंड 2/7 एंड 3/14 को क्या किया हमने, आपस में ऐड किया। तो इसमें भी क्या होगा, 7 एंड 14 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे हम, तो कितने आएगा एलसीएम हमारा, 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14 एलसीएम आ जाएगा हमारा। एलसीएम 14 लेंगे, देखिए फिर 7 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2। तो 2 का क्या किया हमने, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ऐसे ही 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, हमारा आंसर देखिए क्या आया, 4 2 2 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई 1।
टू मल्टीप्लाई टू इज्क्वल टू फोर एंड थ्री मल्टीप्लाई वन इज्क्वल टू थ्री, तो क्या हुआ 4+3/14, 1-7/14 आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए 7 एंड 14 आपका क्या हुआ कट हो गया, 1/2 बचा। अब 1/2 में हमने हमारे पास में 1 नेचुरल वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा 1/1 - 1/2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, एंड 2 से 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे हम तो कितने टाइम जाएगा 2, तो 2 का क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या होगा 2, देन 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2-1/2, यानी कि 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो क्या हुआ आंसर क्या आया, तान्या स्पेंड 1/2 ऑफ हिज लीजर टाइम वॉचिंग टीवी। तान्या कितना 1/2 टाइम किसमें टीवी देखने में इन्वेस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 12 2/15 टू गेट 18 9/20। अब आपको इसमें ये बताना है कि 12 2/15 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका 18 9/25 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने सपोज किया लेट एक्स बी एडेड टू 12 2/5 टू गेट 8 9/25। हमने ये किया तो सबसे पहले देखिए क्या किया, हमने ये इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद 12 2/15 को हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ हमारा माइनस में आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में वैल्यूज़ क्या हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 450 में हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया उसमें क्या करेंगे हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 459/25। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे, सेकंड क्या 5 एंड 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो 12 से 2 से ऐड कर देंगे तो 12 15 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 180। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 2/15, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि दो वैल्यूज हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आ गई, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 25 एंड 15 का एलसीएम लेंगे 3 से करेंगे 25 होगा 5 टाइम जाएगा, फिर किससे देंगे 5 से देंगे 5 5 25 1, फिर 5 से देंगे तो 1 एंड 1। अब देखिए आपके पास एलसीएम वैल्यू क्या आई 3 5 एंड 5, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आएगा आपके पास में 75। तो एलसीएम क्या है आपका 75 है। अब 75 में क्या करेंगे 25 से डिवाइड कीजिए, 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा आपका 3 टाइम्स। 3 का क्या करेंगे हम 3 को 459 में मल्टीप्लाई करेंगे, 459 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1377, और 75 तो हमारा डिनोमिनेटर में आ ही चुका है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम 75 को 15 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम 5 हमारे पास ही आ गया, 5 का क्या करेंगे 182 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा क्या आएगा 9 10, ये हमारा आएगा। अब ये देखिए वैल्यूज आपकी यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट हो गई हैं 1377 - 9/10। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 467/75। अब ये हमारी क्या वैल्यू आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब इसको ये इम्प्रॉपर की वैल्यू है तो हमको क्या करना है मिक्स्ड प्रॉपर मिक्स में बनाना है फ्रैक्शन में, क्या करेंगे
467 किससे डिवाइड देंगे, 75 से। 75 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जो भी वैल्यू आए और जो आपका रिमाइंडर बचेगा तो उसको क्या करेंगे, आप रिमाइंडर को नेचुरल वैल्यू लेंगे, जो आपका आंसर जितने टाइम्स आपका जाएगा उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 75 आपका रहेगा। तो आपका आंसर क्या आया, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 617/15। इसको जब हम 127/5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 89/25 आएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/36 टू गेट 337/18। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका आधा सॉल्व करते हैं, आप पूरा करेंगे, 3/16 सब्ट्रैक्ट एक्स कर देंगे हम, ठीक है। तो एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 337/48। अब इसमें आप सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट में हम 2B स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।